कानपुर भूमाफियाओं से परेशान पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित के द्वारा लगातार चकेरी पुलिस से शिकायत की जा रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित को अब पत्रकारों का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। थाना सचेती के रहने वाले दुर्गा सिंह गुरुवार को आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनका प्लाट सानिगवा रोड अन्ना चौराह के पास ACC हॉस्पिटल के बगल में है, जिसमें बाउंड्री गेट व एक कमरा बनवाकर उनका बेटा कई वर्षों से रह रहा था। कुछ समय से उनका बेटा उनके साथ रहने लगा और प्लाट पर ताला लगा दिया, जिसकी जानकारी दुर्गा सिंह के साले के लड़कों को हुई तो उनके द्वारा जबरन उनके प्लाट पर फर्जी दस्तावेजों के दम पर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। चकेरी पुलिस से मामले की शिकायत भी की गई, पर पीड़ित का कहना है कि चकेरी पुलिस उनकी बात सुनने की जगह बिना उनके कागज देखे उनको थाने और चौकी से भागा देती है। आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने बताया कि अगर समय रहते उसे उच्च अधिकारियों द्वारा न्याय नहीं दिया जाता है तो पीड़ित और उसका पूरा परिवार आला अधिकारियों के दर पर आत्मदाह करने को मजबूर होगा। कानपुर से सरवर आलम की रिपोर्ट। क्या मामला हो गया? मेरे प्लाट में जबरन ढंग से आए अमित कुमार और सोहेल, जयशंकर, अमरनाथ और अमित तिवारी, ये लोग जबरन ढंग से कब्जा कर रहे हैं और आज 5-6 लेवल लगा के जबरन ढंग से मैंने दीवार खुदवा दिया, गिरवा दिया और मेरे घर में ताला तोड़ के घुस गए हैं। और ये न पुलिस हमारी सुन रही है, यशो साहब न सुन रहे हैं, न चौकी कोई सुनवाई कर, आला अधिकारियों के पास भी शिकायत की है और तब भी ये लोग सुन नहीं रहे। किस थाने का मामला है? चकेरी थाने का मामला है। क्या कहते हैं आपका प्लाट कैसे क्या कब्जा किया? ये कब्जा फर्जी ढंग से ज्ञान नगर सोसाइटी से 18 नंबर प्लाट है इनका, हमारा कुटिया बाजार सोसाइटी का 118 नंबर प्लाट है। 118 नंबर में मैं लगभग 20 साल से कब्जा मेरा है और आज जब जबरदस्ती ढंग से ताला तोड़ करके ये अंदर घुस गए और 12 लेवल लगा करके काम करवाते रहे। आज जब आप इसके लिए मना करते तो क्या कहते? कहते हैं जान से मार देंगे, नहीं तो मैं कहा यहाँ से भाग जाओ, तुरंत भगा देते। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही? कोई कार्रवाई नहीं, हमारी कोई नहीं सुनती। इसमें हम आला अधिकारियों के पास गए।